नंबर सिक्स पेज नंबर 32 to 34, चैप्टर नंबर सिक्स रीडिंग प्लस डिटेक्शन वर्ड्स लर्न एंड राइट सी वर्क ऑन नोटबुक। यह आपका चैप्टर नंबर सिक्स प्लेन्स एंड प्लेटूस ऑफ पाकिस्तान। इसके कीवर्ड्स ये हैं, आपको सेडिमेंट मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, रिफाइनरी अ फैक्ट्री वेयर इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम सब्सटेंसेस इन देयर नेचुरल स्टेट, एक्यूट सीरियस बैरन दैट विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइफ लाइक प्लांट्स। ठीक है, प्लेन्स प्लेटूस ऑफ पाकिस्तान है। आपको प्लेन्स की डेफिनेशन बताई हुई, प्लेन्स इज एन एरिया ऑफ लो लैंड विच इज़ फ्लैट एंड डज नॉट चेंज मच इन हाइट, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, उसके बाद कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन्स आर मेड अप ऑफ बिट्स ऑफ रॉक दैट आर कैरिड अलॉन्ग फ्रॉम रिवर टू द ओशियन और आर वर्न अवे फ्रॉम रॉक्स अलॉन्ग द सी शोर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता रही हूँ, आपने इसकी कंप्लीट रीडिंग करनी है, आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद प्लेन फॉर्म्ड बाय रिवर्स, यानी ऐसे प्लेन्स जो रिवर के थ्रू फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, किस तरह से बनते हैं रिवर्स, किस तरह अपने साथ मिट्टी लेकर आते हैं, रेत लेकर आते हैं या छोटे छोटे ठेले लेकर आते हैं, किस तरह से पानी के बहाव के साथ जो हैं बड़े बड़े पत्थर आते हैं, और कैसे ये प्लेन्स रिवर्स और सॉरी प्लेन्स बनते हैं, किस तरह से ये प्लेटूस बनते हैं, और पाकिस्तान में किस किस तरह से हैं, किस किस जगह पे हैं, ये पूरे आपको इस चैप्टर में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद प्लेटूस लिखा हुआ है, अ प्लेटू इज़ एन एरिया ऑफ हाई लैंड, यानी ये जो है प्लेन्स लो लैंड एरिया है और जो प्लेटूस है वो हाई लैंड है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, इट इज़ हायर दैन इट्स सराउंडिंग एरियाज, यानी अपने इर्द गिर्द के एरिए से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ये। देयर आर थ्री मेन प्लेटूज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो प्लेटूज हैं उनकी डिटेल है, ये आपने इसकी पूरी रीडिंग करनी है। उसके बाद बलोचिस्तान प्लेटूस, डिसोई प्लेटूस, ठीक है, ये प्लेटूस, इसकी रीडिंग करने के बाद आपने अपनी डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं, डिक्टेशन वर्ड्स भी आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं और उसके साथ आपने उसका इंडेक्स भी लिखना है। यहाँ पे डिक्टेशन वर्ड्स, कोस्टल पॉपुलेटेड फर्टाइल ट्रिब्यूटर्स डिपॉजिटेड रिजर्वर्स टेबल लैंड मार्गला हिमालया अपॉर्चुनिटी ऑयल फील्ड मारमोट। ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, आपने इसको अच्छे से याद भी करना है स्पेलिंग के साथ और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी कीजिएगा इंडेक्स लिखने के साथ।